कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलें तो इसके लिए टेक्निकल क्वेरी जो भी हो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल आईडी हमने क्रिएट की है, जिसको कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के एक ऑफिसर और एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके तहत उस ईमेल आईडी के द्वारा हम रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल गाइडेंस भी एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वह ईमेल आईडी है technicalquery.covid19@gov.in। लेट मी रिपीट, द ईमेल आईडी इज technicalquery.covid19@gov.in। इसके द्वारा हम टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिटेल्स और टेक्निकल गाइडलाइंस जो हमारी हैं वो आज भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं सभी नागरिकों से सरकार का समर्थन करने की अपील करता हूँ। भारतीय रेल 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जिसके तहत 20,000 कोचेस को मॉडिफाई करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत 5,000 कोचेस को मॉडिफिकेशन शुरू की जा चुकी है, जिसके थ्रू हमें 80,000 नए आइसोलेशन बेड्स प्राप्त होंगे। इसी तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर में लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च की हैं, जिनके द्वारा मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज जैसे टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रीजेंट्स, मास्क और इसेंशियल कॉमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में लाइफ लाइन उड़ान के द्वारा 15.4 टन मेडिकल सप्लाईज को भी ट्रांसपोर्ट किया गया है।